भारत और श्रीलंका के बीच जहां एक तरफ टेस्ट सीरीज जारी है, वहीं आईपीएल को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि आईपीएल की फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आज फैफ डुप्लेसी को अपना नया कप्तान नियुक्त किया। दरअसल आपको बता दें कि पिछले सीजन के बाद पूर्व कप्तान विराट कोहली ने आरसीबी कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया और कप्तानी छोड़ने के ऐलान के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले समय में जो भी यहाँ पर कप्तान होगा मैं उसका बखूबी साथ निभाऊंगा। दरअसल पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार आरसीबी का कप्तान होगा कौन, क्या विदेशी कप्तान आरसीबी को मिलेगा, और कुछ उसी अंदाज में आरसीबी की मैनेजमेंट ने फैसला किया कि फैफ डुप्लेसी को आरसीबी का कप्तान नियुक्त किया जाए। विराट कोहली ने अपना पहला रिएक्शन यहाँ पर दिया फैफ डुप्लेसी के कप्तान बनने के बाद। उन्होंने साफ कहा कि फैफ डुप्लेसी को मैं लंबे समय से जानता हूँ, उनका एक्सपीरियंस हमारे काफ़ी काम आएगा और हम पूरी कोशिश करेंगे एक साथ कि हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएँ और बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर पाएँ। हालांकि खास बात यह है कि यहाँ पर जिस तरीके से फैफ डुप्लेसी को कप्तान बनाया गया था तो लगा था कि विराट कोहली का क्या वो साथ निभाएंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि विराट कोहली को आरसीबी की मैनेजमेंट मनाएगी कि आप एक सीज़न या दो सीज़न और यहाँ पर कप्तानी कर सकते हैं, आपकी कप्तानी में पिछले दो सीज़न आरसीबी के लिए अच्छे गए हैं, लेकिन विराट कोहली कप्तान नहीं बनना चाहते थे, जिसके बाद मजबूरन आरसीबी की फ्रेंचाइजी को यहाँ पर फैफ डुप्लेसी को कप्तान बनाने का फैसला यहाँ पर करना पड़ा। और कहीं ना कहीं फाफ के कप्तान बनने के बाद विराट कोहली का रिएक्शन ये दर्शाता है कि अब उनके दोस्त एबीडी तो नहीं खेलेंगे, लेकिन एक और साउथ अफ्रीकन को यहाँ पर ले आकर आरसीबी की खेमों ने यहाँ पर ज़बरदस्त प्रदर्शन करवाया। एएनटी टाइम्स की रिपोर्ट।